Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक UGC नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडे सेशन। उम्मीद करती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने जो हायर एजुकेशन के टॉपिक में आपका जो कमिटीज का टॉपिक है उसमें हमने जो प्री इंडिपेंडेंस कमिटीज डिस्कस की थी वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और इसीलिए आज हम उसका जो अगला पोर्शन है जिसमें कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज पढ़ेंगे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज। इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली पहले जो कमिटी आई थी मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ सो दैट आपकी रिविजन हो जाए कि इंडिपेंडेंस से एग्जैक्टली पहले जो एजुकेशनल कमिटी आई थी वो थी सार्जेंट रिपोर्ट। आई होप यू रिमेम्बर इट वॉज सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आई थी इंडिपेंडेंस से इमीडिएटली पहले। अब क्योंकि भारत आज़ाद हो गया है तो अब जो फर्स्ट कमिटी जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पहली ऐसी कमिटी कौन सी थी जो इंडिपेंडेंस के बाद आई। तो उस कमिटी का नाम है राधा कृष्णन कमिटी, और उसी को दूसरे नाम से जाना जाता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। याद रखिएगा यहीं पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन वो पहली कमेटी कौन सी थी जो इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद आई, तो उसका नाम है UEC यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और साल कौन सा था 1948-49 यानी अगले ही साल 1947 के अगले साल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया। और इसी कमीशन को दूसरे नाम से वो घुमाकर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि पहला जो ये कमीशन था उसका नाम क्या था, उसे किस नाम से जाना जाता है। और अगर वो वहाँ पे यूईसी या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शंस में अगर आपको दे रखा है राधा कृष्णन कमिटी, तो आपका आंसर होगा राधा कृष्णन कमिटी, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने इसको चेयर किया था और उन्हीं के नाम से इस कमीशन को जाना जाता है। ठीक है, दूसरी कमेटी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको सारी कमिटीज़ का ओवरव्यू दे देती हूँ। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट कमेटी आई थी वो थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इट केम इन 1952-53, और इस कमीशन की तरह ही इसको जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वो है, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू, अदरवाइज स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ये मुदलियार कमीशन। सो मुदलियार कमीशन के नाम से जो दूसरा कमीशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और ईयर याद रखिए 1952-53। ईयर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं कि जैसे ही नाम पूछा जाए आपको एकदम क्लिक हो जाए कि 1952-53 की बात हो रहा है, क्योंकि एक तीसरा क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकता है कि 1952-53 यानी कि 1952-53 में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कमीशन आया था जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर रिकमेंडेशंस दिए गए या उसकी सिचुएशन को कंसिडर किया गया, उसमें होने वाले फ्लॉज को ढूंढा गया और अच्छे जो स्टेप्स लेने हैं उसको लेकर रिकमेंडेशंस दिए गए। तो आपको अगर वो नाम सिर्फ नहीं ले रहा है और इतना ही बोल रहा है 52-53, तो आपको पता होना चाहिए कि 52-53 में जो कमीशन आया उसका नाम था मुदलियार कमीशन, और वो क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन उसका दूसरा नाम था। ठीक है, इसके बाद कोठारी कमीशन एक तीसरा वो कमीशन था जो 1964 में आया था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीच में दो तीन कमीशन्स और आए जिनके बारे में हम सिर्फ उनका नाम, ईयर और एक मेजर जो उनका एजेंडा था उस कमीशन या कमेटी को सेटअप करने का वो हम देखेंगे। तो देखिए उनमें से एक थी श्री के एल श्रीमाली कमेटी। इस पे आज तक पहले क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी साल, इसीलिए इसको उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बट ये पता होना चाहिए कि के एल श्रीमाली कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ज़रूर पढ़ेंगे, विल नॉट स्किप दिस वन। और ऐसे ही श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी,
नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि डिटेल में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन स्ट्रेट क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं. Why? Because this was the only committee जिसमें women education को लेकर, ladies की education को लेकर, चाहे वो primary हो, चाहे school हो, चाहे adult जो ladies हैं जिनकी पढ़ाई किसी वजह से रह गई है, तो उन सारे ही चीज़ों को ध्यान में रखकर जो committee बनाई गई women education को लेकर, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो mark करके कि women education को लेकर जो पहली कमेटी बनाई गई वो थी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, बिकॉज वो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की चेयरमैनशिप में ही कमेटी फॉर्म हुई. और साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिए, 1958. व्हाट वाज द ईयर? 1958. सो 1958 में एक और कमेटी आई जिसका नाम था श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी. आगे चलते हैं. एक और कमेटी जो छोटी सी, जिसके बारे में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1961 में आई और नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी. और इस कमेटी का जो एजेंडा था मेन, वो था इमोशनल इंटीग्रेशन का. आप आगे भी स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, इमोशनल इंटीग्रेशन. ये जो वर्ड है ये याद रख लीजिए. अगर वो आपसे पूछता है कि इमोशनल इंटीग्रेशन की बात किस कमेटी में बोली गई, तो नाम होगा डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी. किस साल में आई? 1961. बस. और इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है इसके बारे में मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगी थोड़ा सा, हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है डिटेल में जाना, बट फिर भी नाम. सो जो ये तीन कमिटीज पोस्ट इंडिपेंडेंस आई, इनके नाम, साल और इतना कि बस ये किससे रिलेटेड है, इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोठारी कमीशन. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. ये इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इस कमेटी को, कि इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए, क्यों ये आज भी जब हम एजुकेशन में कुछ रेफर करना होता है तो जो एक एडमिशन्स होते हैं वो इस कमीशन को ही लुकअप करते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी, गिनी चुनी 5-6 बातें हैं जो इस एजुकेशन के कमीशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए. लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस टॉपिक को करके जाते हैं और फिर भी एग्जामिनर क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस के बीच में, किन्हीं दो. तो आज हम कोशिश करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिससे कि हमें पता रहे कि ये किस कमीशन की बात हो रही है. सो ये तीन कमीशन्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो हमारी आई हैं पुरानी, उनको आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. तो शुरू करते हैं पहले कमीशन से. तो पहला कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, UEC, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया था इसका राधा कृष्णन कमीशन. तो ये UEC और राधा कृष्णन कमीशन इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद आने वाला पहला इम्पॉर्टेंट कमीशन था. इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है. इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, और वो इसी वजह से इसको उनके नाम से भी इस कमेटी को जाना जाता है. अब इस कमेटी के बारे में देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हैं, बट उससे पहले जानते हैं वही थोड़ा सा बैकग्राउंड इस कमेटी के बारे में. सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो थे वो हमारे कौन थे? उम्मीद करती हूँ आपने लास्ट डे का होमवर्क किया होगा. तो जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन तो थे ही, और जिस टाइम पे ये कमीशन बना था ये उस टाइम पे वाइस चांसलर थे BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे. इसके अलावा क्योंकि ये बहुत अच्छे एकेडमिशन थे, इसीलिए ये ईस्टर्न लैंग्वेजेस और ईस्टर्न कल्चर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे. तो इनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन हुआ, और इस कमेटी का गठन हुआ तो इस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट ये बनी थी उसके दो वॉल्यूम्स थी. पहली वॉल्यूम में इस कमिटी ने क्या रेकमेंड किया वो था रेकमेंडेशंस, और सेकंड में वो सारा डेटा था जो स्टडी के लिए यूज़ हुआ. हालांकि इतना डिटेल में आपसे वो नहीं पूछेगा, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि जो ये कमिटी थी. हाँ, एक और चीज़, जो ये कमिटी थी इट वॉज़ अ 10-member टीम. सो आई जस्ट राइट हियर, इट वॉज़ अ 10-member कमिटी जिसको चेयर किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, और जो कि मैंने आपको बताया एक अच्छे एकेडमिशन थे, आप सब जानते हैं. और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट, ये जो होमवर्क वाला पार्ट था जैसे कि कल आया था, ही वाज आवर सेकंड प्रेसिडेंट.
हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने इस कमेटी का गठन किया कुछ और 10 लोगों के साथ, और उसको दो वॉल्यूम में डिवाइड किया गया। पहली वाली में रिकमेंडेशंस थे और सेकंड वाली में डेटा था जो कि कलेक्ट किया जाता था क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, कि भाई इन सब चीज़ों के मसले की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, एडमिशंस का क्या, स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है, टीचर्स का क्या ओपिनियन है। तो इस बेसिस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती थी जैसे कि आजकल की जाती है, और फिर उसके बाद जो भी उस स्टडी का, उस कमीशन का एम होता था उसको ध्यान में रखकर फिर बाद में रिकमेंडेशंस किए जाते थे। अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना सारे ही कमीशंस के कंटेक्स्ट में कि वो बातें, देखिए रिकमेंडेशंस होते थे, वो सही थे नहीं थे, आज कितने फॉलो होते हैं कितने नहीं होते हैं, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है। बिकॉज ये तो एक क्या बोलते हैं कि हर टाइम पे हर ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस का एक पर्सपेक्टिव था एजुकेशन को लेकर, तो वो कितना सही था कितना गलत था, कितना आजकल इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता है, इसमें आप दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि ये हमारे उसका पार्ट ही नहीं है डोमेन का इस सब्जेक्ट को लेकर। हमें बस ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किन चीज़ों को इस टाइम में इस कमिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट समझा और उसमें चेंजेस लाने के लिए प्रपोजल दिए या प्रपोज किया। तो यहाँ पे जब इस कमीशन की बात करते हैं, देखिए ये थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, दे मेड रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ की हालत थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो पहले से चल रही थी, तो उसकी ओवरऑल सिचुएशन को स्टडी करने के लिए ये कमीशन, इस कमीशन का इस गठन हुआ, और रिसर्च का क्या स्टेटस चल रहा है इसके लिए भी इस कमेटी का गठन हुआ। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कमीशन को लेकर एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो ये है कि इन्होंने यूजीसी को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है इसके ऊपर, कि यूजीसी जैसी बॉडी, आप जानेंगे आगे डिटेल में जब मैं यूजीसी पढ़ाऊंगी, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमारी एक ऐसी बॉडी है जो देश भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीजी कॉलेजेस हैं, यूजी कॉलेजेस हैं, इन सबके मैकेनिज्म को देखती है, एक एडवाइजरी बॉडी भी है और विजिलेंस भी रखती है, ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है, प्रमोशन काउंसिल भी है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। तो यूजीसी को सेटअप करने का जो सजेशन दिया गया, क्या दिया गया, याद रखिएगा यूजीसी सेट नहीं हुई यहाँ पे, सजेशन जो दिया गया कि ऐसी कोई बॉडी बनाई जाए जो यूनिवर्सिटीज़ के कामकाज को देखे, तो उसका जो सजेशन था वो इस टाइम में इस कमीशन के अंडर लिया गया। आप जब यूजीसी पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि यूजीसी 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना और 1953 में इसका गठन हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, और यहाँ देखिए ईयर क्या है, 48-49। तो ऑब्वियस है जब इसने रेकमेंड किया होगा कि ऐसी कोई बॉडी बननी चाहिए तो आगे आने वाले कुछ सालों में आपने देखा कि वैसी बॉडी का बनी और ऐसी बॉडी फॉर्म हुई फाइनली। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन रिसेंटली मैंने देखा है। अगला देखिए क्या है, इंसिस्टेड यूज ऑफ सेलेक्शन प्रोसीजर limiting the number of working hours of faculty of colleges and university। इस पॉइंट को जब आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल सिचुएशन को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चों की एंट्री हो रही है, वो जो सिलेक्शन हो रहा है उसको ध्यान में, उसमें रिवीजन की ज़रूरत है या थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो फैकल्टी की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, 8 घंटे हैं या कुछ घंटे जितने उन्होंने एक वीक के लिए फिक्स किए हैं उतने घंटे ही एक फैकल्टी इन्वॉल्व रहे, क्योंकि उससे ज़्यादा करेगी तो फिर क्या होगा, जो लेक्चर्स और कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसकी क्वालिटी के साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर उनको लूपहोल्स लगे कि यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम होती हैं, करिकुलम को लेकर हो, टीचर्स के रेन्यूमरेशन को लेकर हो, उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को लेकर हो, तो इन सारी चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये सारी चीज़ें इसलिए खुद रन करनी है क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, और जो चीज़ें हम अब इस टाइम में अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से प्रोड्यूस करेंगे वही हमारे फ्यूचर लीडर्स, एकेडमिशियंस और पॉलिटिशियंस होंगे। तो क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन की बातें इतनी रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए हायर एजुकेशन की बातें रेलेवेंट है, क्योंकि ये वो इमिडिएटली उसे अफेक्ट करने वाली है, उस कंटेंट, उस ह्यूमन रिसोर्स को जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकल के बड़ी बड़ी पोजिशंस को संभालने वाला है। तो पूरी ही पूरी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में एक तरह से छटाई हुई चीज़ों को लेकर स्क्रूटनी की गई
चेक किया गया उनको, और फिर उसमें जो सुधार लाने थे उनको रेकमेंड किया गया इस कमीशन में। यहीं पे देखिए बात की लास्ट पॉइंट में, इनकॉर्पोरेटेड रिलीजियस एजुकेशन एंड डिग्री प्रोग्राम्स, रिलीजियस एजुकेशन को भी कल्चर से जुड़ी हुई, हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई जो पढ़ाई है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की बात हुई, जो कि पहले तो बहुत ही कम था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस कमीशन के बारे में इम्पॉर्टेंट थे। एम की बात मैं अगर करूँ एक लाइन में, तो इसका एम था दैट दिस कमिटी सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स सो एज टू इम्प्रूव द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सो इन केस आई विल जस्ट टेक एन इरेजर। So in case they ask you, do you remember or can you tell a committee which talked about changing the present and future requirement of the country with respect to the education? तो आपका जवाब होगा University Education Commission। इसके अलावा जो ज़्यादातर questions मैंने देखे हैं इसके around revolve करते हैं, वो questions होते हैं नाम के ऊपर, सेकेंड नाम के ऊपर जो कि राधाकृष्णन कमेटी है, और साल के ऊपर और यूजीसी के ऊपर कि उसको सजेस्ट किया, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल सिचुएशन को देखा कि कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। सो ये इस कमीशन के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एनकरेज वुमेन एजुकेशन, देखिए वुमेन एजुकेशन एक और पॉइंट नीचे था, वुमेन एजुकेशन को भी एनकरेज करने की उन्होंने बात की, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी तक आप ये ध्यान देखना यहाँ पे कि विमेन एजुकेशन के ऊपर अभी तक कोई कमेटी नहीं आई है 1813 से लेकर, यानी कि जो लेडीज़ हैं उनको पढ़ाने की या उनके आगे प्रोग्रेस करने की बात अभी तक कहीं पर भी नहीं हुई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है कि लेडीज़ या विमेन की एजुकेशन की बात किस कमेटी में हुई, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कमीशन इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अगेन आई विल से एन इम्पॉर्टेंट कमीशन। आप बोलेंगे मैम हर कमीशन को इम्पॉर्टेंट बोल देती है, बट बात ये है कि ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली इन्हीं कमीशन से यूजीसी प्ले करता है, या एनटीए कहना चाहिए अब मुझे, प्ले करता है इन्हीं कमिटीज़ के अराउंड। तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए ये बातें। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कंटेक्स्ट में पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईयर, इट केम इन 1952-53। इसको अच्छे से माफ़ कर लीजिए, और जो मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था मुदलियार कमीशन, या कई लोग इसको मुदालियर बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़े एकेडमिशन थे, मुदलियार कमीशन। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखिए वही ऑल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। हाँ, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात की होगी। देखो इनके हिसाब से, जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मुदलियार थे, इनके हिसाब से जो कि वाइस चांसलर थे उस टाइम में मद्रास यूनिवर्सिटी के, किसके, मद्रास यूनिवर्सिटी के। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, रिलेट कर रही हूँ आगे आने वाले टॉपिक से, मद्रास यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रैंकिंग में काफ़ी अच्छे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भी ये इंपॉर्टेंस होल्ड करती थी, इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। तो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुदलियार, और उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में जो फ्लॉज हैं उसको एड्रेस करने के लिए और उनको सही करने के लिए इस कमीशन का गठन किया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं उसके बाद इनकी रिकमेंडेशंस पे बात करेंगे। देखते हैं उनके हिसाब से जो भी उन्होंने स्टडी की, सर्वेज किए, इंटरव्यूज़ लिए, जो भी रिव्यूज़ लिए, उन सब के हिसाब से जो सेकेंडरी एजुकेशन थी वो बहुत सारे लूपहोल्स से भरी हुई थी। पहला क्या था, करिकुलम को लेके, उनके हिसाब से बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था वो सीनियर क्लासेस के लिए उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से बराबर नहीं था, लैक कर रहा था बहुत सारे फ्रंट पे। दूसरा उन्हें वोकेशन से रिलेटेड, वोकेशन मैंने आपको भी बताया था, स्किल से रिलेटेड, जिससे कि आपको जॉब मिल सके, कौशल से रिलेटेड चीज़ें जो थी वो करिकुलम में से मिसिंग थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा पर, इंग्लिश पे बहुत फोकस दिया जा रहा था, तो उस वजह से जो मीडियोकर बच्चे थे वो प्रेशर में रहते थे, उनको बातें समझ में नहीं आ रही थी, और अगर आपको कोई चीज़ सही से समझ में ना आए, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट की बात करते हैं, लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं,
अगर मैं इस लेक्चर को स्ट्रिक्टली इंग्लिश में लूँ, जो कि मेरे लिए शायद नॉर्मल होगा, लेकिन जब अधिक से अधिक बच्चे जो हैं अगर उस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे तो उस लेक्चर की क्या रेलेवेंस होगी, कोई भी नहीं। वहीं अगर मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करूँ जो कि ज़्यादा लोग समझ पाते हैं तो मैं अपना मैसेज क्लियरली कन्वे भी कर पाऊँगी और आपको वो बात समझ भी आएगी, आपको उससे फ़ायदा भी होगा और एग्ज़ाम में आप उसको अटेम्प्ट करके क्वालिफाई भी करेंगे और लॉन्ग रन में भी आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो यहीं पर वो बात एड्रेस की गई कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, क्योंकि वो एक बेस होता है, वो जो 9th 10th 11th की पढ़ाई होती है वो एक बेस बनता है आपके कॉलेज में कि आप आगे लेने वाले हैं और बनने वाले हैं। और अगर आपकी वहीं पे बेस जो है वो वीक रह जाता है कि आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। तो उन्होंने देखा जो इंग्लिश का प्रेशर है वो बच्चों की परफॉर्मेंस में हिंडर कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने देखा फिजिकल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग से जुड़ी हुई चीज़ें, अगर बच्चों को एक्टिविटीज़ नहीं कराई जा रही हैं, उन बच्चों को फिजिकली फिट नहीं कराया जा रहा है, उनके साथ ऐसे गेम्स नहीं खेले जा रहे हैं, करिकुलम का पार्ट नहीं बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़, तो क्या होगा, बच्चे लथार्जिक हो जाएंगे, लेजी फील करेंगे, लाउजी होंगे और आलस के चलते चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस के साथ साथ ज़रूरी है, तो उसका लैक होने लगा, तो उन्होंने एक ये पॉइंट देखा। उसके बाद उन्होंने देखा उन्हें लाइफ स्किल्स की भी कमी है, लाइफ skills। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आपको जो बच्चों को आप नॉलेज दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा बुकिश है, क्या है, बुकिश है। और एक और पॉइंट कि जो सारी पढ़ाई है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मतलब टीचर्स का मकसद है एग्जाम्स का सिलेबस पूरा करना और बच्चों का मकसद है एग्जाम को पास करना, जो कि एक अच्छी ब्रीड ऑफ स्टूडेंट्स जनरेट हो उसके लिए बहुत ही बकवास चीज़ है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जाम के प्रेशर को देखकर ही परफॉर्म करते रहेंगे तो ना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ना आप रीज़न करेंगे, ना आप फुल्ली उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप रिलेट कीजिए करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ, क्यों अब एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपके नॉर्मल टेस्ट होने की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, समेटिव असेसमेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स होते हैं, मतलब कि पूरे कोर्स के दौरान कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपका होता है, यानी कि हर वक्त आपको कोई ना कोई टीचर किसी ना किसी एस्पेक्ट पे एनालाइज कर रहा है। और ये जो इवैल्यूएशन है ये सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर नहीं, आपकी सारी ही पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको लेकर हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपसे कुछ टाइम पहले रिपोर्ट कार्ड्स का जो स्टेटस था वो बिल्कुल सिंपल था, मैथमेटिक्स इतने मार्क्स, साइंस इतने मार्क्स, हिस्ट्री इतने मार्क्स। आज देखिए बच्चों के स्कूल्स में और कॉलेजेस में रिपोर्ट कार्ड्स कितने इलैबोरेटिव हो गए हैं, हर एस्पेक्ट के ऊपर टीचर उसको असेस करता है, ग्रेड करता है और सारी चीज़ों का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करके एंड में आपको रिपोर्ट देता है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होता और जितना सिलेबस आ जाता है वो उतना वहाँ तक कराते हैं, उसका पीछे का नहीं पूछते आगे अगर आते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनेशन का प्रेशर अगर बच्चों के ऊपर रहता है तो वो सीखने की कैपेबिलिटी पर असर करता है। तो टीचर्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा ऐसा सिस्टम एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, कि उसमें बच्चे प्रेशर में रहते हैं एग्जाम के। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी ये मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस कमिटी का गठन हुआ और क्या क्या प्रपोज किया गया देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी ऑफ 7 ईयर्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 11 to 17 ईयर्स ऑफ एज, 11वीं तक के जो बच्चे हैं 11 साल से 17 साल के, क्योंकि 18 ईयर्स के वो 12th में आ जाएंगे और 12th को उन्होंने कॉलेज के साथ मर्ज करने की बात बोली। तो जो 11वीं तक के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो 7 साल का किया जाए, उसे प्राइमरी से अलग किया जाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, ये दोनों मेथड आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो उनको पहली बार यूज़ कहाँ किया गया, कि पढ़ाई के दौरान जो आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसमें आप मोनोटोनस मत रखिए, उसमें आप तरह तरह के मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग, लर्निंग बाय डूइंग, इन सब चीज़ों की मदद से आप बच्चों को पढ़ाइए, जिससे उनको एक्सपोजर हो, उनको डिसीजन लेना आए, वो लाइफ में एक्चुअली देखें कि कैसे ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है, बुकिश नॉलेज उनको खाली ना दें। तो इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात इस कमीशन में हुई।
इसके अलावा एकेडमिक्स के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट हो, ये भी यहाँ पे रेकमेंड किया गया। और फाइनली देखो क्या बाइफर्केशन किया गया, 11th क्लास इंटरमीडिएट कॉलेज, बीच में आपने सुने थे आपके कुछ पुराने सिस्टर्स या सिबलिंग्स होंगे जो पहले उन्होंने आपसे पहले की थी मास्टर्स या ग्रेजुएशन, तो पहले इंटरमीडिएट कॉलेज एक हुआ करता था, तो उसको बंद करने की बात बोली और बोला जो 11th क्लास है उसे आप सेकेंडरी के साथ मर्ज कीजिए और जो 12th क्लास है उसे आप हायर एजुकेशन के साथ मर्ज कीजिए। तो इस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन पे आप खास ध्यान दीजिए, कितने सालों का, 7 सालों का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 7 साल की एजुकेशन है 11 से 17 साल के बच्चों की, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर एक वर्ड में मैं बोलूं कि इस कमीशन का सार क्या था, तो क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन। एग्जाम में वो किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी फ्रेम करता है, घुमाता है, फिराता है, कितना भी आपको कंफ्यूज करता है, अगर उसमें कहीं से भी ये वर्ड आता है सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान रखने के लिए कौन सा कमीशन आया पोस्ट इंडिपेंडेंस, या सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं भी देता तो 4 ऑप्शन देता है, सार्जेंट कमीशन, हार्टॉक कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, तो 2 तो इसलिए एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो पोस्ट के पार्ट ही नहीं थे, वो तो प्री एजुकेशन कमिटीज थी, और कोठारी की अभी हमने बात की नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात किस कमीशन में की गई, मुदालियर कमीशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वो 3 कमिटीज हैं बेटा जो मैंने आपसे बात की थी, जिनका नाम, साल और सिर्फ उनके बारे में इतनी चीज़ कि भाई ये क्या चीज़ को लेकर बनाई गई थी। तो देखो, श्रीमाली कमेटी जो थी वो हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किस एरिया में, रूरल एरियाज में, जो गांव के एरियाज हैं उनमें कैसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाएँ, कैसे प्रोग्राम्स, डिप्लोमाज या डिग्री प्रोग्राम्स रन किए जाएँ कि जो वहाँ के लोग हैं उन तक एजुकेशन पहुँचे, उसके लिए इस कमेटी का गठन हुआ था 1954 में। अगेन KL श्रीमाली एक बहुत ही डिग्निफाइड पार्लियामेंटेरियन भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, और उस टाइम पर हमारे यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। आजकल कौन है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर? होमवर्क। तो जो उस टाइम पे 1955 से 63 इस टाइम पे जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे वो श्रीमाली थे। मिस्टर श्रीमाली की चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन हुआ 1954 में, और आइडिया क्या था, हायर एजुकेशन को पहुंचाना रूरल एरियाज तक। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नाम, इसको तो एग्जाम तक रट लीजिए एकदम। दिल्ली वाले बच्चों को पता होगा दुर्गाबाई देशमुख एक मेट्रो स्टेशन भी है, तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो थी उनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन हुआ, जो कि अब तक की इकलौती कमेटी थी विमेन एजुकेशन को लेकर। देखो, विमेन एजुकेशन को लेकर इकलौती, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1958 एकदम ध्यान आना चाहिए क्लिक में कि कमेटी कब आई, 1958 में, समवेयर आफ्टर मुदलियार कमीशन एंड बिफोर कोठारी कमीशन। तो 1958 साल जो होगा आप एलिमिनेट करके सही आंसर बता पाएंगे। दुर्गाबाई देशमुख ने रियलाइज किया इस कमेटी के दौरान कि जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं उनकी जो पढ़ाई है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों उनकी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल तक भी एजुकेशन नहीं हो पा रही, या फिर जो अडल्ट लेडीज़ हैं उनकी शादी या किसी और वजह से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई डिसकन्टिन्यू हो गई है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और शायद उन्हीं के बैकग्राउंड, इस कमेटी के बैकग्राउंड का ही असर होगा कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चियां जो हैं छोटी, उनकी कई स्कूलों में, नवोदय विद्यालय हो गए, KV संगठन हो गए, और भी बहुत सारी जगह क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्या है, फ्री है। वैसे तो आजकल सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और बहुत सारे अभियान आप पढ़ेंगे 6 से 14 के, आप तो नई एजुकेशन पॉलिसी में 18 साल तक की भी बात हो रही है, तो जो फ्री एजुकेशन की बात है तो उसका बेसिस आप कह सकते हैं गर्ल चाइल्ड को लेकर जो था, या विमेन एजुकेशन को लेकर था, उसके बेसिस पे इस कमेटी का गठन हुआ। इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी है। और 3rd कमेटी देखो, डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी जो मैंने आपको कही थी, ईयर क्या है, 1961, और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि इमोशनल इंटीग्रेशन जो वर्ड था वो किस कमेटी के अंदर आया, या वैसे वर्षा संपूर्णानंद कमेटी जो थी उसने किस चीज़ के बारे में बात की। तो जो उन्होंने बात की वो थी इमोशनल इंटीग्रेशन को लेकर। थोड़ा सा इस टर्म को डिस्कस कर लेते हैं कि इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होता है।
अगर मैं ये आप लोगों से बोलूं कि अगर मैं आप जैसे बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दूं कि मैं आपको नहीं जानती और मैं आई आपके पास, बच्चे कुछ खेल रहे थे और मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आप सारे लोग इस मैदान में अभी 2 मिनट के बाद इकट्ठे हो जाओ, मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि 2 बच्चे भी जो मुझे नहीं जानते वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। लेकिन वहीं पे जब आप एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पे आप जिस व्यक्ति के साथ गए होते हैं उसके अलावा किसी को नहीं जानते, जब वहाँ पे किसी भी मूवी के स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम प्ले होता है तो आप क्या करते हैं? विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट ऑन योर कॉन्शियस, आप क्या करते हैं? आप खड़े हो जाते हैं नेशनल एंथम को के शुरू होते ही। तो ये क्या है? ये है नेशनल एंथम। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल इंडिया का मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप है, वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खेल रहा है, तो आप सब लोग मिलकर उसको चेयर करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज के बच्चे हों या घर के लोग हों या हाउस वाइफ्स हों या फिर कोई भी कामकाज करने वाला आदमी हो, है ना, यही होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इमोशनली बाइंड करके, इंटीग्रेट करके रखती हैं, क्योंकि ये साल था 1961, आज़ादी से बाद का। फिर से मैं वही चीज़ को लिंक करूँगी, यहाँ पे जो लोग थे एकेडमिशियंस, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो नैरो माइंडेडनेस है या फिर मैं बोलूँ कि जो कम्युनल थिंकिंग है हमारी या फिर कास्ट माइंडेडनेस है, इस तरह की कोई भी चीज़ है ना, इस सब से हमें हमारे जो देश के बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें ऊपर उठाना है। और सिखाना क्या है उसे? हमें उन्हें सिखाना है यूनिटी, हमें सिखाना है ब्रदरहुड। क्या सिखाना है? ब्रदरहुड की फीलिंग। हमें क्या सिखाना है? कल्चरल बाइंडिंग। हमें सिखाना है उन्हें कि ये जो देश है ये हमें इकट्ठे चलाना है। तो उनके करिकुलम का या स्कूल का या कॉलेजेस का जो प्रोग्राम है, जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उनमें ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए। फिर वो चाहे सिंगिंग ऑफ अ सॉन्ग ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे ऐसे गेम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी फील्ड ट्रिप्स ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे लेक्चर्स ही क्यों ना हो, जिससे वो अपने आप को मॉरली क्या समझें, एक साथ समझें, टुगेदरनेस की फीलिंग आए, ब्रदरहुड की फीलिंग आए, ताकि फिर कोई और क्या कहते हैं, बाहरी कंट्री या बाहरी नेशन आके हमें डिवाइड ना कर पाए, हमें गुलाम ना कर पाए। तो इस चीज़ के बारे में भी तो आप पढ़ाओगे ना एकेडमिक्स के साथ साथ। तो उन्होंने यही इमोशनल इंटीग्रेशन की बात की कि आप जो अपने करिकुलम और एजुकेशन है उसमें ऐसी चीज़ों को डालिए जिससे कि यूनिटी जो है बच्चों में, वो देश के प्रति किसी स्पेशल रिलीजन, कास्ट, कल्चर को लेकर बल्कि देश को लेकर जो है वो आए। और उसी के कंटेक्स्ट में देखो कैसे रिकमेंडेशन थे नाम से, अब आपको क्योंकि आपको ये कहानी समझ में आ गई है तो यू कैन मेक आउट कि करिकुलर एक्टिविटीज डाली जाएं, एजुकेशनल टूर्स पे ले जाया जाए, सिंगिंग, नेशनल एंथम। आपने देखा है आजकल मोदी जी तो खैर बहुत ज्यादा करते ही हैं, भारत में जब आप कई किसी उसमें मैंने लिखा हुआ देखा था कोर्ट में कि आप जितना ज़्यादा अपने देश को जानेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो आजकल जो ये टूरिज्म में आप देख रहे होंगे कि जितनी हमारी कल्चरल साइट्स हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, इन सबको दिखाने की बात होती है बच्चों को, ताकि उन्हें हिस्ट्री बताई जाए, उसकी रेलेवेंस बताई जाए, देश में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई जाए, जिससे क्या हो फाइनली इमोशनल इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ें ना ऐसे ही इवॉल्व नहीं हुई है कि एक दिन बात हुई और हो गया, हर चीज़ का बैकग्राउंड है। अब आप देख रहे हो जितनी कमिटीज़ हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो जो चीज़ें आई हैं उसको वो उसका बेसिस रहा है, वो चीज़ें, वो कमिटीज़, ठीक है। तो इन 3 कमिटीज़ के बारे में बस इतना ही जानना ज़रूरी है। अब आते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी में, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन। तो देखो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही जो मैं हर बार कहती हूँ, साल कई बार नेट ने ऐसा किया है कि सिर्फ बोला है कि 1964 और 66 में आने वाला जो कमीशन था उसने क्या ये सजेस्ट किया, ये सजेस्ट किया, ये सजेस्ट किया, बताइए। तो जब आपको 64, 66 साल ही नहीं याद रहेगा तो फिर आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे? तो याद कर लीजिए साल है 1964, 66 नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, 1964 वाज द ईयर व्हेन कोठारी कमीशन केम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर दौलत पाल कोठारी, डीपी कोठारी, लिख लीजिए आप लिखना चाहें तो, दौलत सिंह, सॉरी दौलत सिंह है, पाल नहीं है, कोठारी।
इनकी चेयरमैनशिप में एक अडहॉक कमेटी का गठन हुआ। किस लिए? अगेन वही यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए, बट पूरे नेशन के एजुकेशन को, पूरे नेशन वाइड ये रिपोर्ट बनाई गई। ये अब तक की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लिख सकते हो, सबसे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। क्वेश्चन पूछ लेता है मोस्ट प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, तो आपका जवाब होगा कोठारी कमीशन। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कौन सी थी? फिर कोठारी कमीशन। 64 में आने वाली कौन सी थी? कोठारी कमीशन। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये उसका टाइटल था। पहले इस पे नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इस पे भी पूछा जा रहा है कि उसका जो टाइटल था वो क्या था। तो आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी, मैं बता चुकी हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक सेकेंड, मैं ये आई जस्ट टेक दिस इरेजर, आई नीड सम स्पेस टू एक्सप्लेन। या सो ये देखिए, थ्री टीयर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इस कमीशन को याद करने के जो पांच पॉइंट हैं वो हम ये लिख लेते हैं दोबारा से। पहला, सबसे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। दूसरा, इसका टाइटल क्या था। तीसरी बात, थ्री टीयर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये थ्री टीयर सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट इस नाम को आपने सुना नहीं होगा, 10+2+3 सिस्टम। आजकल आप देखते हैं एजुकेशन का यही है सिस्टम, 10 साल, फिर 2 साल और 3 साल। इस तरह से जो हमारी पढ़ाई होती है, कितने साल की हो जाती है जब तक आप ग्रेजुएशन करते हो? 15। तो ये 10+2+3 सिस्टम है, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अगला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि एजुकेशन में, करिकुलम में आप प्राइमरी से हायर तक कुछ इस तरह से लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कीजिए कि हर बच्चा जो है वो तीन लैंग्वेजेस को जान पाए। कौन कौन सी लैंग्वेज हो सकती हैं, गेस कीजिए। तीन लैंग्वेज होंगी। पहली, वो लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा समझ सकता है, वो आपकी नेटिव लैंग्वेज, या आप हिंदी अगर बात करें, भारत में ज़्यादातर लोग जैसे जो हैं वो हिंदी अगर समझ रहे हैं तो हिंदी। दूसरी, जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज, जो उसे पढ़ाई के लिए और कम्युनिकेशन के लिए या फर्दर ऑफिशियल कामों के लिए समझनी है, जो कौन सी है? इंग्लिश। और तीसरी है आपकी रीजनल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज भी उसको पढ़ाई जाए। हालांकि आज भी करंट सिनेरियो में वेरियस पॉलिटिकल रीजंस के चलते ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, बार बार इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज आती रहती हैं, बट फिर भी ये एक अच्छा तरीका था अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी उसको सीखने। क्योंकि जो आप किसी कम्युनिटी या किसी स्टेट के लोग होते हैं, कई सारी स्टेट्स भारत में ऐसी हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, जहाँ पर लोगों को हिंदी समझने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना आसान है, बट हिंदी भी उनको पढ़ाना है तो उनके लिए वो थर्ड लैंग्वेज बन जाती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मतलब ये है कि चाहे बच्चा कहीं का भी हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्राइमरी से लेकर आगे आने तक, उसे ये तीन लैंग्वेज जो हैं वो किसी ना किसी लेवल पे पढ़ाई जाए, ये इनका सजेशन था। कितने हद तक इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसमें हमें अभी नहीं सोचना है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बार इस पर भी क्वेश्चन आया है कि इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो देश की GDP है उसका 6% जो है वो आप एजुकेशन सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट कीजिए, तभी आप इसको इवॉल्व कर सकते हैं, तभी आप इसको इंटरनेशनल लेवल जो कंपटीशन है उसके अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात आपके लिए 6% है। कई बार पूछ लेते हैं कितने प्रतिशत का उन्होंने बोला कि आप इसकी भागीदारी करें GDP की, नेशनल इनकम की एजुकेशन सेक्टर में, तो आपका जवाब होना चाहिए 6%। तो कोठारी कमीशन रेकमेंडेड 6% ऑफ नेशनल इनकम टू बी गिवन टू द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात इन्होंने बोली 6 से 14 साल की। फ्रीडम टू टीचर्स फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब स्टैंडर्ड जो आउटपुट है बच्चों का वो कम हो, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लगातार एडमिशंस लेते रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसोर्सेज, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, टीचर्स हैं या नहीं है, उसे बिना सोचे। तो इन्होंने बोला कि आप फिक्स कीजिए कि 60 या 120, इतने ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। तो इस तरह के जो एनक्लोजर्स हैं वो यहाँ पे लगाने की बात हुई।
तो ये था आपका कोठारी कमीशन। एक और चीज अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर कई बार अभी तक पूछा नहीं है, बट वैसे कि 23 रिकमेंडेशन, देयर वर अ सेट ऑफ 23 रिकमेंडेशन दैट वाज गिवन बाय कोठारी कमीशन, और वो अलग अलग चीजों को लेकर थे, कैरिकुलम को, टीचर्स को, इन सब चीजों को लेकर थे। वो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ने, वो एजुकेशन वाले बच्चे पढ़ेंगे, बट अगर इन केस पूछ लेता है तो 23 रिकमेंडेशन थे और ईयर जो था वो 1964 था। सो ये इस कमीशन के बारे में था, और इसी के साथ हमारे सारे कमीशन्स ख़त्म हो रहे हैं। इसी टॉपिक के साथ मैं बात हमेशा करती हूँ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की। यहाँ पे जो लेटेस्ट एजुकेशन की पॉलिसी आई है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, वो हम करंट अफेयर्स की क्लास में करेंगे या प्रॉब्ली अगली क्लास में। यहाँ पे हम बात करेंगे उन दो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज की जो 1968 और 86 में आई थी, और एक प्लान ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था 1992 का। देखिए हर 5 साल पे एजुकेशन पॉलिसी नई नहीं आती है, इनफैक्ट अभी तक नई आई नहीं है 86 के बाद, लेकिन हर 5 साल में एक प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम ऑफ एक्शन गवर्नमेंट जो भी होती है उस टाइम पे वो रिलीज करती है, जिसमें उनके प्रपोजल्स होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, और वो अभी तक भी वो चल रहे हैं। तो जो लेटेस्ट एनपी आई है 2019 में, वो हम स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंडर। लेकिन जो पुरानी दो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी है उनके क्या मेन पॉइंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉलिसी आई थी बेटा, इसका नाम अच्छे से ईयर याद कर लीजिए, 1968। और देखो याद करने के पर्पज से 68 है, अगर आप उसको उल्टा कर दोगे 86, तो अगली एजुकेशन पॉलिसी जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे वो आई थी 1986 में। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर द डेट्स, जिनको डिफिकल्टी होती है मेरी तरह डेट्स याद करने में। तो 1968 में पहली आई थी और 1986 में दूसरी, दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। अगली चीज़, ये किसकी फ्लैगशिप में आई थी, किन्होंने इसको जनरेट किया था, रिलीज किया था, तो हम सबको पता है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की फ्लैगशिप में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलीज हुई, किस साल, 1968 में। अब इसमें कुछ दो तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स लिए, इनको याद कर लीजिए। इस पॉलिसी ने बात की आउटलाइनिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको आप क्या कीजिए, चालू कीजिए, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए हर लेवल पे एजुकेशन सेक्टर में। क्यों ये बात इन्होंने बोली, क्योंकि देखो साल क्या है 1968, कब आया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कोठारी कमीशन में सजेस्ट हुआ, कोठारी कमीशन आया था 64 में। तो जब कोई एजुकेशन, इसको आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो कि जब कोई एजुकेशन पॉलिसी आई 68 में, तो उससे इमीडिएटली पहले अगर कोई अच्छी बातें सजेस्ट हुई हैं तो वो उसको प्रोपेगेट करने के बारे में बोलेगा ना। तो इसीलिए उसने बोला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को आगे बढ़ाया जाए, इसको आप रिलीज कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो एक पॉइंट तो आपको ऐसे याद रहेगा। दूसरी बात इन्होंने की एंशियंट संस्कृत को पढ़ाने की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंशियंट संस्कृत को पढ़ाने की बात इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई। तीसरी, कंपल्सरी, वही फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। और जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है, रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग। आजकल कई बार असर्शन और रीजन के, आप देख रहे होंगे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। देखो बेटा, इस एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ चीज दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा ABCD है या बोथ है या नन ऑफ द अबव है। जब तक UGC इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था, जनरली क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो यही रहता था। जब से नेट ने टेक ओवर किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को लेकर, बहुत सारे मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ऑप्शन में, क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 भी होते हैं कई बार, और ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है बताइए कौन कौन सा सही है, 1, 2, 5, 3, 4, 5 मल्टीपल, सो आपको मल्टीपली एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा गलत है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। और उन सबसे भी ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं या जिससे बच्चे डरते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं असर्शन और रीजन के। असर्शन में वो आपको एक स्टेटमेंट देगा बड़ा सा डराने के लिए, और रीजन में वो आपसे एक रीजन देगा इस चीज के बारे में जो भी उसने बात बोली होगी। अब ऑप्शन कैसे आते हैं, वहां पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि बताइए असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं,
दोनों ही सही हैं या दोनों सही हैं, वो बोलेगा assertion is also right, but reason जो है वो उसको सही नहीं कह रहा, ये इस बात का reason सही नहीं है, और assertion गलत है, reason सही है, इस तरह से आपको confuse करने की कोशिश करेगा। तो इन वाले questions में डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है, आपको बस जो assertion दिया होता है उसे ढंग से समझना होता है, और फिर उसके बाद ये देखना होता है क्या वो जो reason दे रहा है वो इस बात को सही, इस बात को सही प्रूव कर रहा है। पहले आप इसको इंडिविजुअली जज कीजिए कि क्या ये असर्शन में जो बात बोली है सही है या नहीं, क्या रीजन में जो बात बोली है वो सही है या नहीं। अगर ये सही है तो क्या वो इसको डिफाइन कर रही है, वो हो जाएगा। और अगर ये है कि सही तो दोनों है लेकिन वो इसका सही डिफाइन नहीं कर रही, इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रही है, तो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी बताने का मतलब ये था कि अगर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कोई स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रेम करने की बजाय रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग जैसे वर्ड को ले और खींचकर एक पैराग्राफ भी बना देता है, तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। इस एजुकेशन पॉलिसी में डेफिनेटली इसके बारे में बोला गया था, और वो क्या इम्प्लाई कर रही थी, वो ये इम्प्लाई कर रही थी कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एक तरह से पुनर्गठन करना, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को दे रियलाइज्ड इन दिस टाइम, दे रियलाइज्ड कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हर लेवल पे एक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, हर लेवल पे दोबारा से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में सस्टेन करना है जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। वो क्या है, वो है फॉरेन नेशंस, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमें हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना होगा हर लेवल पे। फिर वो चाहे हमें सिलेबस और करिकुलम से जुड़े हुए चेंजेस करने हो, एडमिशन से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, इनोवेशंस या रिसर्च से जुड़े हुए, मल्टीपल, तो हर लेवल पे जब चेंज की बात जो कही गई वो कहाँ पे की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68 में। मेरे हिसाब से इन चार पांच चीज़ों से ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा, और इतना ही आपको पढ़ना है इस पॉलिसी के बारे में। अगली पॉलिसी पे आते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। देखिए अब आपको ईयर याद हो गया होगा, किसकी फ्लैगशिप में आई, आप आसानी से बता सकते हैं कि उस टाइम पे कौन थे पीएम, राजीव गांधी जी। तो जो हमारे पीएम थे राजीव गांधी, उनकी फ्लैगशिप में सेकेंड एनपीई आई, एनपीई करके बोल देता है वो, एनपीई 1986। और इन्होंने, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना, जैसे हमारा रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग था वैसे याद रखना, डिस्पैरिटीज रिमूव करना। इन्होंने बात की कि जो भेदभाव हो रहा है वो दूर किया जाए। अब किस लेवल पे भेदभाव हो, चाहे वो कास्ट रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो रूरल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश, मतलब आप जब उसको इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि उन्होंने क्या बात की, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन एज और सोशल स्टेटस। तो सबको समान अधिकार हो शिक्षा का, ये बात उन्होंने की, किसी भी आधार पे डिस्पैरिटी, डिसइक्वालिटी या फेवरेटिज्म ना किया जाए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया वोकलाइजेशन पे, यानी कि वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं जिनसे कि लोगों का स्किल इम्प्रूवमेंट हो। जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे, जब मैं आपको कराऊंगी प्रोग्राम्स तब भी हम डिस्कस करेंगे कि कुछ टाइम पहले आपने सोचा भी नहीं होगा कि कॉस्मेटोलॉजी जैसी फील्ड्स आएंगी, या फिर आप क्या बोलते हैं आजकल तो नेल आर्ट को लेकर चीज़ें आ जाती हैं, कॉस्मेटोलॉजी को लेकर आ जाती हैं, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मतलब अनप्रोफेशनल चीज़ों की पढ़ाई, जिससे कि क्या हो सके, आपको एक प्रोफेशन, रोजगार मिल सके, ऐसे कौशल का या कुशल का, कुशलता बढ़ाना या ऐसे कौशल के बारे में पढ़ाना नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ, जिससे रोजगार प्राप्त करने में, क्या करने में, एम्प्लॉयमेंट लेने में हेल्प मिले, उन चीज़ों को बढ़ाने की बात की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 में। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, बच्चों को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, इनको एक्सपैंड किया जाए, वर्ड था एक्सपैंड, एक्सपेंशन बोल दूँ, एक्सपेंशन, या राइटिंग बहुत पैथेटिक हो जाती है इस पेन से, एक्सपेंशन है ये, एक्सपेंशन ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो दी जाए, अच्छे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में अच्छे हैं उनकी पढ़ाई रुके ना, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन, जो जिन भी लोगों की पढ़ाई अधूरी रह गई है किसी भी रीज़न से, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएँ जिसमें एज से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस नहीं हों और वो अपनी पढ़ाई को आगे पूरा कर सकें।
इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट जो जैसे कि उसमें था कि यूजीसी को किसने रेकमेंड किया, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में पहली बार उसको सजेस्ट किया गया, वैसा ही एक पॉइंट है यहाँ पे। देखो पॉलिसी एक्सपेंडेड दी ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद इग्नू, क्योंकि ये साल था 86 और जब मैं आपको एजुकेशनल बॉडीज पढ़ाऊंगी तब आप देखेंगे इग्नू। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1985। सो व्हेन इग्नू केम इन 1985, ऑब्वियसली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल ट्राई टू डू द प्रोपेगेंडा अबाउट दिस प्रोग्राम, ट्राई टू एडवर्टाइज दिस प्रोग्राम, ट्राई टू एनहांस दिस प्रोग्राम, इसकी पब्लिसिटी करेगा वो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ने की बात करें। तो वहीं इस पॉइंट पे ये जो बात कर रहा है वो यही चीज़ बोल रहा है कि उसने इग्नू के साथ जो है ओपन एजुकेशन जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसको बढ़ाने की बात बोली। इसी के साथ साथ रूरल यूनिवर्सिटीज 14 थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल जस्ट चेक इट आउट लेटर, 14 रूरल यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई और ज्यादा से ज्यादा रूरल यूनिवर्सिटीज खोलने की और ऐसे कोर्सेज चलाने की बात की गई। इंपॉर्टेंट टर्म डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, जो मैंने आपको बताया था रीज़न करने की जो आदत है कि क्यों क्या कैसे हुआ उसको बढ़ाने की बात हुई। और नैक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नैक एक और ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन, एक्रीडिएशन काउंसिल। नैक एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, आप इसके बारे में डिटेल में अगली कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको असेस करता है, उनको और ग्रेड करता है, उनको पॉइंट देता है। तो ये जो बॉडी है, ऐसी कोई बॉडी बनाई जाए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, उसका सजेशन भी NBE 1986 में दिया गया। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। लास्ट उस पर चलते हैं हम, जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने कहा था इसके बाद आया 1992 में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कई बार इसको प्लान ऑफ एक्शन कब आया, किस साल में आया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर प्लान ऑफ एक्शन की जगह प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी वर्ड यूज़ कर देते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन वर्ड यूज़ कर देते हैं। किस साल बताइए कौन सा था और किसकी उसमें आया, तो पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। और जो इसका इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो देखो क्या है, जैसे उसकी रिमूविंग डिस्पैरिटीज था, यहाँ पे है रिड्यूसिंग बर्डन। अब जब आप बच्चों के सर से बर्डन हटाना चाहते हैं तो दो ही चीज़ों के माध्यम से आप ये कर सकते हैं, बर्डन कम करने का मतलब हुआ डिक्रीजिंग लोड ऑफ बैग्स, और दूसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बर्डन था वो था रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स। जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आपने देखा होगा आजकल क्या हो गया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हर चीज़ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, PhD के, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के, मेडिकल प्रोग्राम्स के, इन सब के क्या होने लगे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने लगे हैं। वहीं सोचिए जब पहले हर चीज़ का अलग 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 होता तो बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन होता था, तो जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आजकल होने लगे हैं उसका बैकग्राउंड कह सकते हैं इस प्लान ऑफ एक्शन से आया था कि लोगों के ऊपर से और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से भी जो ये मल्टीपल एग्जाम्स का बर्डन है वो कम किया जाए। और दूसरा पॉइंट क्या था, बैग्स का लोड, किताबों का लोड कम किया जाए बच्चों के ऊपर से। तो ये था एक ओवरव्यू कुछ एजुकेशन पॉलिसीज का, और इन सब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट जो हमारी NPE आई है उसका ड्राफ्ट, जो कि मैं आपसे मोस्ट लाइकली अगली या उससे अगली क्लास में डिस्कस करूंगी, या फिर करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके वो डिटेल में वो हम डिस्कस करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट। आगे चलते हैं, यस इम्पॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जो कि आपको रिवाइज करवाएंगे जो हमने कमीशंस पढ़े थे उनके बारे में। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को करते हैं, आई एम श्योर आपने अगर अच्छे से लेक्चर को सुना होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है देखो, द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सबटाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। I'll give you 5 seconds to think about, since it's not a live class, otherwise I would have given you a poll, but फिर भी आप 5 seconds लीजिए और हम option देखते हैं तब तक। राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन।
तो याद करो मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि जो कोठारी कमीशन था उसका जो टाइटल था वो ये था, एजुकेशन एंड नेशनल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद 2018 में या 19 में ही इवनिंग शिफ्ट में ये आया है, तो आप देख सकते हो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला, इन विच ऑफ द ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, मैं लेटेस्ट क्वेश्चन से पीछे जाऊंगी बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया, तो बहुत पुराने क्वेश्चंस को करने का फायदा नहीं है। जो रिसेंटली आते हैं हम उन्हें ज़्यादा देखेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम रिविजन की जो क्लासेस होंगी उनमें देखेंगे। तो इसके जो चार ऑप्शन है ये आपका होमवर्क है, मैंने इसमें डाला नहीं है। आप बताएंगे कि मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी, एनालाइज कीजिए, याद कीजिए और बताइए कि इसमें से वो कौन सा साल था। थर्ड क्वेश्चन, अ स्पेशल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया फॉर्म द पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स। ध्यान से देखो, एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स की बात किस में हुई थी। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी ब्रेन वर्क करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब डालता है यूजीसी नेट तो ये मेक और ब्रेक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो इजी क्वेश्चन होंगे वो तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, हैटॉक के बारे में मैंने आपको सिर्फ एक ही लाइन बताई थी, ये टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था। यूईसी क्या था आपका, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन था, उसने एजुकेशन सिस्टम में मैंने आपको ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लिखवाया। कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन क्या था, सैडलर कमीशन, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बचाइए रिपोर्ट्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये पहली बार यूजीसी ने पूछा है और यही इसका जवाब है। देखिए अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने डाला है कि क्या पता कोई चीज़ घुमा फिराकर इससे आपसे पूछ ले। तो जो रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूजीसी ने पब्लिश की थी उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम की बात हुई थी। बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शायद ही किसी का सही हुआ हो, लेकिन क्योंकि अब आ चुका है तो हमें एक बार ये पता होना चाहिए। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन, ध्यान से देखिएगा, द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज वन, टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी, टू टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दोनों ही ऑप्शन सही हैं या नन ऑफ द अबव। राधाकृष्णन कमीशन ने इनमें से कौन सी बात बोली? अब याद रखना, मैंने आपको बताया था कि राधाकृष्णन कमीशन इंडिपेंडेंस के बाद आया था और यूनिवर्सिटीज़ की ओवरऑल सिचुएशन को समझने के लिए इसका गठन हुआ था, और साथ ही ऐसे लोगों को तैयार करना जो आगे जाके लीडरशिप की पोजीशंस को अज्यूम कर पाएँ। ये मैंने दोनों बातें आपको बताई थी, तो इसी वजह से इसके जो दोनों ऑप्शन हैं ऊपर वाले वो सही हैं और इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। घुमावदार क्वेश्चन था। अगला देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था रट लीजिए। आंसर देखिए 58, 76, 89 और 2000, तो इसका आंसर है 1958, या चेक कीजिएगा, हमने याद किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर। वैसे तो ये आपसे क्वेश्चन में यूजीसी पढ़ाने के बाद पूछ सकती थी, बट यहाँ पे मैंने डाला है क्योंकि मैंने स्लाइड्स में एक जगह मेंशन किया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो स्टैट्यूटरी बॉडी बना यूजीसी, संवैधानिक बॉडी बना, वो किस ईयर में बना, 1956 में। इनमें से और किसी ईयर में कुछ भी रेलिवेंट यूजीसी से रिलेटेड नहीं हुआ था। यस, and one more question is, a university grants commission was constituted on the recommendation of, kiski recommendation se bana, sergeant kothari mudaliar or sarvepalli radhakrishnan committee, ya iski jagah aapko university education commission bhi bol sakta tha, wo uec iski jagah de sakta tha, secondary commission। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमेटी में इसको बनाने का सजेशन दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम या बुनियादी तालीम हमने पढ़ा था, तो ये आंसर आई एम श्योर आपको अच्छे से याद होगा, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है इसका नाम है। So, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, रीसेंट ईयर्स से 97 तक के ऑलमोस्ट जो कमिटीज के ऊपर थे सिर्फ, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में आई विल बी इंक्लूडिंग दोस क्वेश्चंस।
सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. डू रिवाइज, मेक अ नोट ऑफ ऑल द कमिटीज एंड दैट वे यू विल बी फिनिशिंग दिस टॉपिक वेरी इजली. नेक्स्ट क्लास में हम कमिटीज से आगे बढ़ेंगे और आगे का क्वेश्चन करेंगे. सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन. अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइएगा. और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.